क्या कहती है शनि की ढैया और साढ़े साथी? किन परिस्थितियों में शनि मनुष्य को बनाते हैं धनवान? किन लोगों को शनि देते हैं दंड? कैसे करें न्यायाधीश को प्रसन्न? जानिए आचार्य मयंक शर्मा जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आचार्य मयंक शर्मा और धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई ज्योतिष संबंधी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें फ़ोन करके जान सकते हैं, और अगर आप किसी विषय पर जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के जरिए एक एपिसोड बनाकर। जैसे हमारे बहुत से दर्शकों ने पूछा है कि शनि की साढ़े साथी का प्रभाव जीवन में कैसा रहता है, उन्होंने फ़ोन करके ये जानना चाहा कि किसी ने बताया कि हमारे ऊपर शनि की ढैया लग चुकी है, हमारे ऊपर शनि की महादशा शुरू हो गई है, हमारे ऊपर शनि की साढ़े साथी शुरू हो गई है। तो उन लोगों के मन में एक भय था और ये डर था कि क्या शनि देव जो है हमेशा ही परेशान करते हैं, क्या शनि की ढैया साढ़े साथी या कंटक दशा यानी कि शनि जब सप्तम भाव में आता है क्या वो हमेशा ही कष्टकारी रहती है। तो दर्शकों, आज हम अपने इस एपिसोड के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि शनि किन परिस्थितियों में व्यक्ति को सताते हैं और किन परिस्थितियों में व्यक्ति को मालामाल भी कर देते हैं, और कौन से लगन में और कौन सी राशि में शनि ज़्यादा बेहतर रहते हैं, और शनि का रत्न धारण करते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और कौन सी राशि वालों को या कौन से लगन वालों को शनि का रत्न धारण करना चाहिए, क्या शनि का रत्न राशि के आधार पर धारण कर लेना चाहिए या लगन के आधार पर शनि का रत्न धारण करना चाहिए, किन किन लोगों को शनि की साढ़े साथी इस समय चल रही है ये भी बताएंगे, किन लोगों को ढैया चल रही है ये भी बताया जाएगा, और कार्यक्रम के अंत में ये भी बताया जाएगा कि शनि से अगर आपको बुरे परिणाम मिल रहे हैं, अगर शनि आपकी कुंडली में ख़राब है तो उसका क्या उपाय है, क्या पूजा करनी चाहिए आपको, क्या दान दक्षिणा क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको राहत मिलती है। देखिए, पहले तो शनि के बारे में बताते हैं कि शनि जो है जैसा हम कर्म करते हैं दर्शकों वैसा ही फल देते हैं जीवन में। शनिदेव ये कहते हैं कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो वो अच्छा फल देंगे, लेकिन अगर आप जिंदगी में बुरे काम करते हैं, लोगों को सताते हैं, लोगों का पैसा मारते हैं, लूटपाट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो शनिदेव अपनी महादशा में ढैया में और साढ़े साथी में आके आपको बहुत भारी नुकसान बहुत भारी चोट पहुंचाते हैं, और कुछ परिस्थिति में तो शनिदेव जेल की यात्रा भी कराते हैं यानी कि सबक सिखाते हैं, शनि न्यायाधीश हैं। शनि कर्म के दाता हैं, भाग्य के विधाता हैं, आपका भाग्य आपकी तकदीर तय करते हैं। अगर आप बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट बनने चाहते हैं, बहुत बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं बहुत सारा, तो आपकी कुंडली में शनि का शुभ होना, शनि का योग कारक होना बहुत ज़रूरी है और तभी ये हो सकता है। तो दर्शकों, साढ़े साथी की बात करते हैं। साढ़े साथी जो है आमतौर पर जीवन में आदमी को तीन बार आती है, दो से तीन बार का ये देखा गया है, क्योंकि 30 साल के बाद शनि की जो साढ़े साथी आती है, तो आमतौर पर दो या किसी किसी कुंडलियों में तीन बार या बहुत कम ऐसा एक्सेप्शन है कि जो कि 4 बार इनकी जिंदगी में शनि की साढ़े साथी आती है। और शनिदेव कैसा परिणाम देते हैं? देखिए, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति जो है उसके आधार पर शनि परिणाम देते हैं। कहते हैं कि पिछले जन्म में अगर हमने कोई बुरे कर्म किए हैं तो हमारी कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब होती है, अगर पिछले जन्म की हमने कोई पुण्य किए हैं, कोई पुण्य कमाए हैं, अच्छे काम किए हैं, लोगों का भला किया है, धर्म दान दक्षिणा की है, गरीबों को खाना खिलाया, किसी को सताया नहीं है, तो समझ लीजिए कि शनिदेव आपके कुंडली में बहुत शुभ होकर बैठे हैं और इस जीवन में शनिदेव आपके वारे न्यारे कर देंगे, यानी कि पांचों उंगलियां आपके घी में रहेंगी और सरकड़ाई में रहेंगी, धन लाभ होगा बड़ा ज़बरदस्त। और ऐसे व्यक्ति जिनका शनि मजबूत होता है वो व्यक्ति नौकरी के बजाय अपने व्यवसाय में ज़रा तरक्की करते हैं, यानी कि आप ये अनुमान लगा लीजिए कि जो व्यक्ति आज इंडस्ट्री लगा रहा है, व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है और जो करोड़ों अरबों रुपया महीना कमा रहा है, तो उसका मतलब उनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ही पावरफुल होगी, तभी ये संभव था। तो दर्शकों, इस समय बताना आपको ये चाहेंगे कि शनि देव कभी किसी को नहीं सताते, हमारे कर्म ही हैं जो हमें अच्छा या बुरा करवाते हैं। अगर शनि, जैसे बताया कि अगर आप खराब काम करेंगे तो शनि की महादशा लगते ही आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपको सजा हो सकती है। तो इसलिए हमेशा अपने जीवन में शनि देव क्योंकि न्यायाधीश हैं और वो यही कहते हैं कि सबका अच्छा करें, किसी का बुरा ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, खूब दान दक्षिणा करें, गरीबों की जितनी सेवा करेंगे शनिदेव आपसे उतने ही प्रसन्न होते चले जाएंगे। तो दर्शकों, बता दें इस समय किन लोगों को शनि की ढैया का प्रभाव है और किन राशियों को इस समय साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है। देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों के लिए तो इस समय ना तो शनि की ढैया है ना ही शनि की साढ़े साथी का प्रभाव उनके ऊपर है।
बल्कि शनिदेव उनको बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं आने वाले समय में। और वृषभ राशि वालों की भी सेम स्थिति है, अभी अभी उनके 24 जनवरी की ढैया समाप्त हुई है 2020 को, तो उनके ऊपर भी शनि की ढैया या साढ़े सती का कोई प्रभाव नहीं है। मिथुन राशि वालों को, जी हाँ, मिथुन राशि वालों के ऊपर इस समय शनि की जो अष्टम ढैया चल रही है, स्वराशि के शनि हैं, अगर वो अच्छा काम करेंगे, लोगों का भला करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, सत्य बोलेंगे, तो शनि देव मेरी बात मान लीजिए आज आप बिल्कुल भी आपको नहीं सताएंगे। बहुत से ज्योतिषी कह रहे होंगे कि शनि की मिथुन राशि वाले को अष्टम ढैया लग गई है, बहुत बड़ा धनहानि होगा, नुकसान होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति शनि देव तभी बनाते हैं जब हमारे कर्म अगर खराब होते हैं, तो अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए। गलत चीज़ों में अगर आप पैसा लगाएंगे, गलत सोच रखेंगे, किसी का अहित करेंगे, किसी का बुरा करेंगे, तो आपका अपने आप ही शनिदेव बुरा करेंगे साढ़े सती या ढैया के दौरान। कर्क राशि वालों के सप्तम भाव में शनि, हालांकि कंटक या ढैया मानी जाती है, एक तरीके से इसको ढैया भी मानते हैं, लेकिन यहाँ शनिदेव स्वराशि के हैं तो बहुत अच्छा इनके लिए रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए कोई इस समय साढ़े सती या ढैया नहीं है। कन्या राशि वालों की हम बात करें तो कन्या राशि वालों की अभी अभी 24 जनवरी की ढैया उनके ऊपर से हटी है, तो उनके लिए भी ये बड़ी राहत है। तुला राशि वालों की चतुर्थ शनि की ढैया स्टार्ट हो गई है, हालांकि चतुर्थ ढैया आपके लिए बहुत शुभ करेगी तुला राशि वालों, क्योंकि शनिदेव यहाँ उच्च के होते हैं, आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, लेकिन कोई लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आप ईमानदारी से काम करें, ये ना सोचें कि मैं अगर मेरा शनि अच्छा हो गया तो मुझे घमंड कर लेना चाहिए। देखिए, बिल्कुल शनिदेव घमंड चूर कर देते हैं, यानी कि व्यक्ति जो बहुत हवा में उछलता है या बहुत रहता है कि भाई मेरे अंदर बहुत घमंड आ गया है, तो शनिदेव ढैया में या साढ़े साती में आके उसका घमंड दूर करते हैं। तो थोड़ा सा लापरवाही बिल्कुल ना करें और लोगों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करेंगे तो शनिदेव आपको और भी अच्छा फल देंगे। अब दर्शकों, वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों की अभी अभी शनि की साढ़े साती समाप्ति हुई है, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शनिदेव उनको सब कुछ देने को तैयार है, उनके घर में खुशी आएंगी, लेकिन आपको क्या करना चाहिए इस समय, आपको बेवजह के विवादों से दूर रहना चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अन्यथा आपको मानसिक तनाव इस समय बहुत ज़्यादा रह सकते हैं और शनिदेव के कष्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। बात कर लेते हैं धनुराशि वालों की। धनुराशि वालों के इस समय राशि में शनि विराजमान थे 24 जनवरी तक, वो हट चुके हैं, अब उनके धन स्थान में आ गए हैं। देखिए, आप शुभ कार्य जितना करेंगे धनुराशि वालों, उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और शनि की जाति भी ये साढ़े साती है, जो काफ़ी लाभ आपको पहुंचाती भी नज़र आ रही है, काफ़ी फायदा भी आपको होगा, लेकिन फिर भी बेवजह के विवादों से आपको इस समय बचना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपकी कुंडली में इस समय शनिदेव विराजमान होंगे, तो शनिदेव की ये स्थिति जो है आपके, क्योंकि शनि जो है स्वराशि के बैठे हैं और शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं, आपको शनि बहुत शुभ फल देंगे, आपको भी अच्छा कार्य करना है और आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग इस समय प्राप्त होगा। जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें, उनका भी आदर करें, तो शनिदेव आप पर पूरा मेहरबान रहने वाले हैं। कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़े साती अभी अभी शुरू हुई है, तो इनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, बेवजह के विवादों से दूर रहें, संभल कर चलेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। और मीन राशि वालों को शनिदेव सब कुछ देने वाले हैं, क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं, लाभ ही लाभ देंगे इस समय आपको, तो आपको तो और भी अच्छे काम करने चाहिए, और लोगों का भला करना चाहिए और दुआएं देनी चाहिए, जिससे कि शनि के शुभ फल आपको मिलते चले जाएं। तो दर्शकों, ये हमने आपको बता दिया कि किन राशि पर ढैया है और किन राशि पर शनि की साढ़े साती है। देखिए, हमने देखा है कि देश के बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री या विश्व में ऐसे अभिनेता हुए हैं, ऐसे नेता हुए हैं जिनको शनि की साढ़े साती में उच्च पद की प्राप्ति हुई है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में अगर शुभ महादशा चल रही है तो शनि की साढ़े साती जो है, शनि की ढैया, इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, अहित नहीं करती है। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत शुभ है तो भी शनि आपका अहित नहीं करते, आपको ढैया साढ़े साती में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, तो शनिदेव और भी बढ़िया फल देंगे। अगर ये आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और इंदिरा गांधी जी, और अब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी, देखिए इस समय शनि की साढ़े साती में ही वो देश के पीएम बने हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने शनि की साढ़े साती में इतिहास रचा, वर्ल्ड कप भी जिताया टीम इंडिया को, दो दो वर्ल्ड कप जिताए, T20 वर्ल्ड कप 2007 में, 2011 में 50-50 का वर्ल्ड कप 50 ओवरों का। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे पास, ऐसे बहुत से अभिनेता हैं, ऐसे बहुत से कलाकार हैं, बहुत से राइटर हैं जिन्होंने शनि की साढ़े साती में एक
उच्च कोटि का मुकाम हासिल किया। अब आपको बताते हैं जिन व्यक्ति का शनि मजबूत होता है उनको क्या करना चाहिए। देखिए, जिन व्यक्ति का शनि मजबूत होता है उनके लिए न्यायाधीश यानी कि जस्टिस, एडवोकेट, सॉफ्टवेयर लाइन बहुत अच्छी रहती है। अगर आप सीमेंट का काम करते हैं, रेत बजरी का काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलती है। जो ठेकेदार होते हैं उनको शनि बहुत बढ़िया फल देते हैं। केमिकल इंजीनियर जो देखे गए हैं शनि से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं, और शनि में कहीं अगर शुक्र की स्थिति भी है और तो आप बहुत अच्छे उच्च कोटि के कलाकार भी हो सकते हो। फिल्म में गंभीर कलाकार का रोल अदा कर सकते हैं, जैसे हमारे अजय देवगन जी हैं और सुनील शेट्टी थे, तो उनकी कुंडली में शनि मजबूत है तो उन्होंने बहुत ही गंभीर रोल करें और बड़ी सफलता भी अर्जित की है। तो दर्शकों, अब आपको बता देगा शनि देव के कारण आपको कोई कष्ट मिल रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है तो उसमें क्या करना चाहिए। देखिए, शनि देव से कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, शनि देव के मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। इससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। और जैसे कि आजकल अभी लॉकडाउन है तो अभी आप घर से ही शनिदेव की आराधना कर सकते हैं। इस मंत्र का डेली 108 बार जाप करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद हर शनिवार शाम के समय शनिदेव की प्रतिमा पर 5 बादाम चढ़ा दीजिए, सरसों का तेल चढ़ा दीजिए, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और शनिदेव के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया शनि की साढ़ेसती ढैया का क्या प्रभाव रहता है और कितना शनि आपको परेशान करेंगे या नहीं। दर्शकों, आपको भी कोई ज्योतिष संबंधी कोई जिज्ञासा है तो हमें फ़ोन करके बता सकते हैं, हम उसको भी कार्यक्रम करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हम अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर जो फ्लैश हो रहे हैं उस पर बात कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।